तो दोस्तों, क्या आपके भी एंड्रॉयड फ़ोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया हुआ है? या तो पावर बटन पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, या तो आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि आप भी अपने फ़ोन में डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट यूज़ कर सको, तो आज का ये वीडियो कम्प्लीट आप लोगों को देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। सोचो कितना कमाल का ये ट्रिक होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपको बैक साइड में या पावर बटन पे आपको फिंगरप्रिंट दिया हुआ है और आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का मजा लेना चाहते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ले सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और एंड तक कंटिन्यू आपको इस वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना है, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फोन के सेटिंग को ओपन कर लेते हो, फोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जहां से आप अपने फोन में पासवर्ड सेट करते हो उस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहां से आपको क्या करना है, अपने फोन में फेस लॉक लगा लेना है। यहां पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहां पे फेस लॉक लगा लेना है, पैटर्न भी लगा लेना है, पिन भी पासवर्ड यहां पे आपको सेट कर देना है। यहां पे इतना करने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूं। जैसे ही आप पासवर्ड सेट कर लोगे, उसके बाद आपको फिर से फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फोन के सेटिंग को ओपन कर लेते हो, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप थीम के ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको कई सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे आना है यहाँ पे, नहीं तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाता है सर्च का ऑप्शन। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है AVHIXROJ। जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। उस वॉलपेपर पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, वॉलपेपर लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री में है, तो आपको इसे क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे अपने फ़ोन में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी पे टिकआउट रहेगा। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये आपके फ़ोन में अप्लाई हो चुका। यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई होने के बाद अब सिंपली आपको यहाँ से होम पे चले जाना है। जैसे आप होम पे जाओगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन का थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे हम करते हैं फ़ोन को लॉक। अब फ़ोन को लॉक करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम करेंगे फिंगरप्रिंट को यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे फ़ोन को ऑन करता हूँ, फिंगरप्रिंट को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे मैं करता हूं फिंगरप्रिंट पे टच, फोन को ऑन कर लिया हूं। यहां पे जैसे फिंगरप्रिंट टच करूंगा, यहां पे देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है। यहां पे आप देख सकते हो, जैसे यहां पे मैं फिर से यहां पे फोन को लॉक करता हूं, यहां पे मैं फिर से अब क्या करता हूं, फोन यहां पे ऑन करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो, जैसे फिंगरप्रिंट पे टच करूंगा, यहां पे क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हो। यह एक तरह का डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं होता है, यह आपके फेस लॉक से वर्क करता है। यह एक प्रकार का थेम है जो आपको बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह वर्क करता है, जिससे आपको लगेगा कि आपने डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लगा रखा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक, कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है ना, लाइक कर देना है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।